বা স্থূলকায় মানুষের জীবন মোটেই সহজ নয়। নানাভাবে তাদের সমাজে হেয় প্রতিপন্ন হতে হয়। কেউ পোশাক বা সাজসজ্জা নিয়ে বিব্রত হন, কেউ বা সামাজিক অনুষ্ঠানে এড়িয়ে চলেন। এই মোটা বা স্থূলকায় নারীদের নিয়ে এলিট বেঙ্গল মিসেস প্লাস সাইজ 2023 ডিভা উইনার হলেন ডক্টর রজনী গড়কেশ্রী। তিনি একাধারে ফিজিওলজিস্ট, ট্যারো কার্ড রিডার, লাইফ কোচ, নিউমেরোলজিস্ট। গত 25 ফেব্রুয়ারি এলিট বেঙ্গল প্লাস সাইজ ডিভা বিউটি পেজেন্ট জিতেছেন এই বঙ্গনারী। শনিবার দমদমে তার নিজের আবাসে তাকে সম্মানিত করা হলো। এদিন সম্মান জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অভিনেত্রী তথা মিস ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল বিজেতা রিচা শর্মা। এলিট বেঙ্গল প্লাস সাইজ ডিভা সৌন্দর্য এই প্রতিযোগিতায় বিশেষভাবে প্লাস সাইজের মহিলাদের জন্য আয়োজন করা হয়। ডক্টর রজনী এর আগেও মিস প্লাস সাইজ ইন্ডিয়া 2019 ফাইনালিস্ট হিসাবে অংশগ্রহণ করেছেন এবং মিস বিউটি উইথ ব্রেনের সাবটাইটেল জিতেছিলেন। আমানিয়াতান ভার্মা এবং মুগ্ধা গডসের মতো বিচারকদের নিয়ে নয়াদিল্লিতে আয়োজিত হয়েছিল অনুষ্ঠানটি। তিনি প্রাক্তন মিসেস ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল আদিতি গোবিত্রিকারের দেওয়া বেঙ্গল প্রাইড অ্যাওয়ার্ডস 2021 গ্ল্যামার প্লাস ফেস অফ দ্য ইয়ার জিতেছেন। তো সবসে বড় এক্সাম্পল তো আপ দেখো যে কি যে রজনী নে আগে বড়কে দিখায়া আর উসনে ইসমে পার্টিসিপেট ভি কিয়া এক বার ভি নি সোচা দ্যাট মে আই থিঙ্ক মুঝে কোই এসা বোলেগা ভেসা বোলেগা বিলকুল আজ দেখো ও অ্যাওয়ার্ড লেকে আমারে সামনে বেঠি হে তো উসনে হিম্মত দিখাই এনার্জি দিখাই ইনফ্যাক্ট মে আজ মেরি 21 সাল কি বেটি হে বাট ট্রাস্ট মি আজ ভি মুঝে ইতনা সাপোর্ট আর ইতনা স্ট্রেংথ মিলতা হে সিফ উসি সে নি পুরে ঘর সে পুরি টিম সে ইনফ্যাক্ট বাহার বানো সে जो शायद एक दिन नहीं मिलेगा, दूसरे दिन नहीं मिलेगा, तीसरे दिन डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि हमें खुद उठना पड़ेगा। और सभी मैरिड लेडीज के लिए, इनफैक्ट आज के यूथ के लिए भी एक मैसेज जो मैं हमेशा देती हूँ कि अगर हम एक जगह बैठ के अगर हम सोचते हैं ना कि हमारी अलमारी साफ हो जाए, घर साफ हो जाए, नहीं होगा ना, हमें उसके लिए उठना पड़ेगा। तो अगर हमें कुछ भी करना है, हमें हमारे सपनों को जीना है, तो उसके लिए हमें खड़े होना पड़ेगा एंड वी हैव टू डू एन एक्शन टुवर्ड्स दैट। मैं 2018 में मिसेस प्लस साइज के इवेंट में पार्टिसिपेट किया था। एक उनको सबटाइटल भी मिला, बट अभी फाइनली 2023 में एलिट बेंगल मिसेस प्लस साइज में वो डिवा विनर बनी है। और हमारे बीच है मिसेस ऋचा शर्मा जो फॉर्मर मिसेज इंडिया इंटरनेशनल और बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस है, मेरी सिस्टर डॉक्टर रजनी गर्ग, डॉक्टर रजनी गर्ग केसरी। एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई एम सो ऑनर्ड दैट फाइनली आई हैव वन प्लस साइज ब्यूटी पेजेंट। एंड एज माई सिस्टर टोल्ड दैट मेरी जर्नी बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल से भरी है, जो कि मेरे ख्याल से हर प्लस साइज वुमन की होती है। सोसाइटी में उनको बहुत कुछ सुनना पड़ता है, रिजेक्शन मिलता है। हम सभी चाहते हैं कि हम लोग ब्यूटी पेजेंट विनर बने या एक्ट्रेस बने, सभी लड़कियों का ड्रीम होता है, बट कहीं ना कहीं क्योंकि हमारा वेट ज्यादा होता है तो लोग नहीं एक्सेप्ट करते। बट मैंने सोचा था कि इसको मैं अपने लिए एक ऑब्स्टिकल्स नहीं बनने दूंगी, मैं लोगों को प्रूव करूंगी कि इवन प्लस साइज वुमन कैन बी ब्यूटीफुल, बिकॉज आई बिलीव दैट ब्यूटी कम्स इन ऑल शेप्स एंड साइजेस। हर औरत खूबसूरत होती है, हर औरत एंड कर्व्स आल्सो आर ब्यूटीफुल। तो मैं बहुत ऑनर्ड हूँ कि ऐसे पेजेंट्स अब ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, लोगों ने जानना शुरू किया है। और मैं पहले मिस प्लस साइज इंडिया में पार्टिसिपेट किया था, वहाँ एक सबटाइटल जीता था मिस ब्यूटी विद ब्रेंस, बट फाइनली मैंने एक कॉन्टेस्ट जीत लिया है और मैं बहुत खुश हूँ। और ऋचा मैम यहाँ पे आई है, आई एम सो हैप्पी, शी इज फॉर्मर एक्स मिस इंडिया and she is a great actress. I have seen some of her movies. और ये इनका बढ़ोतर है कि आज वो यहाँ पे मुझे सपोर्ट करने आई है, क्योंकि हमें भी जरूरत है कि प्लस साइज वुमेन को सपोर्ट मिले। और ऋचा मैम का बहुत बड़ा बढ़ोतर है कि वो सपोर्ट करने आई है, बीइंग वो प्लस साइज नहीं है बट फिर भी उन्होंने सोचा हमारे बारे में, यही बहुत बड़ी जर्नी है। और मैं आपकी करियर के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी कि एज ए साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड स्पिरिचुअल हीलर, मैंने अपने लिए एक नाम कर्व किया है। बट इट्स रियली ग्रेट, आई एम हम्बल्ड एंड ओवरवेल्ड दैट फाइनली आई गॉट टू प्रूव द सोसाइटी दैट इवन प्लस साइज वुमन कैन बी ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 10।